पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। अभी पूर्णिया के गुलाब बाग में जो व्यापारी है, अपराधियों ने व्यापारी को गोली मार दी है। दो गोली लगा है। व्यापारी की इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि दो गोली लगी है। अभी ऐसे खतरे से बाहर है, उसका उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में हो रही है। ये घटना आज भी रात के 9 बजे की लगभग की है। अभी व्यापारी अपने जो गुलाब बाग मंडी है, उस मंडी से दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उसी जो रास्ता है गुलाब बाग का, शिव मंदिर चौक, वहां पे अपराध घात लगाए अपराधियों ने, उन पे फायरिंग कर दी, जिसमें कि जो विनोद अग्रवाल है या उनके पुत्र जो मुकेश है, उनको गोली लगी है। उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस कप्तान पहुंचे हैं, जो पूर्णिया के सदर विधायक हैं वो पहुंचे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि पूर्णिया में अपराधियों का मनोबल किस तरह बढ़ गया है, आप इस घटना को देख के अंजाम लगा सकते हैं। ये घटना सदर थाना क्षेत्र की है। ये कहा जा सकता है कि जिस इलाके में ये घटना घटी है, वो जो इलाका है वो काफी चहल पहल वाला है, और अपराधी अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं लगता है वो सफल नहीं हो सके हैं, क्योंकि जो लड़का है, जो व्यापारी है, जो एक अच्छे वहाँ के व्यापारी में जाने जाते हैं, उनके पुत्र पे यह हमला हुआ है। और प्रशासन अभी जांच में जुटी हुई है कि किन अपराधियों का इस पे हाथ हो सकता है। खंगाल रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस गश्ती तेज हो गई है। खुद पुलिस जो अधीक्षक है यहाँ के, दयाशंकर, वो वहाँ अस्पताल पहुँच के वहाँ पे जो घटना घटी है जिस युवक के साथ में, उसको देखने के लिए पहुँचे हैं। सदर विधायक विजय खेमका पहुँचे हुए हैं। कई व्यवसायियों का भीड़ सा लगा हुआ अस्पताल में। सब सकुशल होने का भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, बड़ी घटना है, गोली चली है। विनोद रामपुरिया जो गुलाबबाग के अच्छे व्यवसायी हैं, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उनके लड़के को गोली लगी है। और जो चिकित्सक से मेरी बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि गोली लग करके बाहर निकल गई है और उनको ओटी में ले जाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी वापस हो, कुशल हो। और अभी अभी पुलिस कप्तान भी आए थे, डीएसपी थे, उनसे भी मैंने बात किया। उनको मैंने कहा कि ये चैलेंज है, इस चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए और अनुसंधान कीजिए और अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कीजिए, और कोई भी घटना नहीं हो इसके लिए पुलिस पूरी चौकस रहे, इसकी व्यवस्था कीजिए। और गुलाबबाग शास्त्री नगर में उनका मकान है, घर है, अपने प्रतिष्ठान से वो अपने घर आ रहे थे, उनके ठीक घर के सामने में ये घटना हुई है। और पुलिस प्रशासन भी अभी गई है, जो मुझे अब कप्तान ने बताया कि चारों तरफ से नाकाबंदी है। मैं भी जा रहा हूँ, पुलिस कप्तान भी गए हैं, डीएसपी भी गए हैं, और मैं भी उनके परिजन से मिलने के लिए उनके घर जा रहा हूँ। अभी जो चिकित्सक ने बताया कि दो गोली लगी है, दोनों गोली बाहर निकली है। अब चिकित्सक ने जो बताया कि स्थिति खतरे में ही है, लंग्स इफेक्टेड है, जो चिकित्सक ने बताया हम एक्स में, और उनको ओटी में ले जाया गया। अभी की यही स्थिति। नाम क्या था उनका? उनका नाम मुकेश अग्रवाल नाम है लड़के का।